हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। इंसान कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, जरूरत है तो सिर्फ पूरे विश्वास के साथ मेहनत करने की। और बस इसी बात को साबित करती हुई नजर आने वाली है एक नई मूवी जिसका नाम है झुंड। मूवी का ट्रेलर 23 फरवरी को रिलीज किया गया, जिसके बाद से अमिताभ बच्चन जी के फैंस सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। रियल लाइफ हीरो विजय बारसे के लाइफ पर बेस्ड ये मूवी एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स मूवी है, जिसमें एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाई गई है जो स्लम में रहने वाले बच्चों से एक फुटबॉल टीम बनाते हैं। ये सब सुनना एक कहानी सी लगती है, लेकिन ये एक ट्रू स्टोरी है। मूवी से वापसी की है बॉलीवुड के महान कलाकार अमिताभ बच्चन ने, जिनकी ऑन स्क्रीन अपीयरेंस इतनी जबरदस्त नजर आ रही है कि आप चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाएंगे। नागराज मंजुले द्वारा डायरेक्टेड ये मूवी 4 मार्च को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि इस मूवी से नागराज एज अ डायरेक्टर अपना हिंदी डेब्यू करने जा रहे हैं। नागराज मंजुले मराठी सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर हैं, जिन्हें अपनी शॉर्ट मूवी पिस्तुल्या के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। ट्रेलर में दिखाई गई लोकेशंस और स्लम एरिया में होने वाली एक्टिविटीज की झलक काफी अच्छे से देखने को मिली है। डायरेक्टर नागराज मंजुले ने हर एक चीज का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा है, फिर चाहे बात लैंग्वेज की हो या फिर मारपीट वाले सीन्स की, हर एक सीन में उनका सटीक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। मूवी में अमिताभ बच्चन नागपुर के सोशल वर्कर विजय बारसे की जिंदगी को पर्दे पर रिप्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विजय बारसे ने स्लम सॉकर नाम के एक एनजीओ की शुरुआत की थी, जिसमें स्लम में रहने वाले बच्चों की एक फुटबॉल टीम तैयार की गई थी। ऐसे बच्चे जिनसे वहां रहने वाले लोग दूर भागा करते थे, उनमें विजय बारसे को पोटेंशियल नजर आया। ऐसा पोटेंशियल जिसने उन बच्चों की जिंदगी ही बदल डाली। विजय बारसे नागपुर के हिलसोप कॉलेज में एक स्पोर्ट्स टीचर रहे हैं और इसके बाद ही उन्होंने इस एनजीओ की शुरुआत की थी। जहां तक बात है मूवी में नजर आने वाले किरदारों की, तो मूवी में अमिताभ बच्चन जी के अलावा कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं, जिनमें आकाश ठोसर, रिंकू राजगुरु, विक्की काडियान और गणेश देशमुख जैसे कई नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि आकाश ठोसर और रिंकू राजगुरु दोनों ही मराठी मूवी सैरत में काम कर चुके हैं और इस मूवी को नागराज मंजुले ने ही डायरेक्ट किया था। सत्यमेव जयते के फर्स्ट एपिसोड में भी विजय बारसे की कहानी को दिखाया गया था और उनकी कहानी को नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। 3 मिनट की ड्यूरेशन वाला ये ट्रेलर ऑडियंस को इस बात की गारंटी तो जरूर दे रहा है कि आपको मूवी एंगेजिंग भी लगेगी और इंस्पायरिंग भी। साथ ही साथ हमें ये भी जानने का मौका मिलेगा कि आखिर स्लम में रहने वाले बच्चे इस तरह के क्यों बन जाते हैं कि उन्हें मारपीट, लूटपाट, चोरी डकैती के अलावा अपनी जिंदगी खत्म सी लगती है। सोसाइटी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, आसपास रहने वाले लोग उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, ऐसी कई बातों को हम पर्दे पर देखेंगे। ट्रेलर में एक और बात जिसने ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। हर एक सीन के साथ सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इम्प्रेसिव है। बात करें अगर मूवी के म्यूजिक कंपोजर की, तो ये हैं पॉपुलर डुओ अजय अतुल, जिन्हें ऋतिक रोशन की मूवी अग्निपथ के लिए कंपोजर ऑफ द डेकेड का अवार्ड भी मिल चुका है। अब ये तो आने वाली 4 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर ये मूवी लोगों को कितना पसंद आने वाली है और क्या डायरेक्टर नागराज मंजुले हिंदी ऑडियंस को अपनी डायरेक्शन से इम्प्रेस कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या व्यूज हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।